जय श्री कृष्ण वकील भाई। हाँ, हम टेम से निकल गए हैं और टेम से पहुंच जाएंगे। वैसे आज सब कुछ हो जाएगा ना? जी मैं पहुंच चुका हूँ, बस आप लोग भी टाइम पे पहुंच जाइए। और जब आखिरी बार जज साहब आपको पूछें कि तलाक लेना है तो बिना हिचकिचाहट हाँ बोल दीजिएगा, काम हो जाएगा। आप बेफिक्र रही हैं, हम दोनों जज साहब के सामने कह देंगे कि हमें तलाक चाहिए। थैंक यू। आज पहली बार आपको गाड़ी इतने धीरे चलाते हुए देख रही हूँ। और मैंने तुम्हें इतनी जल्दी करते हुए नहीं देखा। जल्दी चलेंगे। आपको ये वाला रास्ता याद है? वो जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब बापूजी का बहुत मन था कि हमारी शादी बड़े वाले कृष्ण मंदिर के प्रांगण में हो। अरे ये तो वही रास्ता है। ऑफ कोर्स यस, मुझे ख्याल ही नहीं आया। उस दिन जब तोसु के साथ आपको ढूंढने आई थी ना, तब मुझे सब याद आ गया था। याद आया तो बताया क्यों नहीं? क्या बताती कि जिस रास्ते पे चल के रिश्ता जोड़ने गए थे उसी रास्ते पे चल के रिश्ता तोड़ने जाएंगे? इस रास्ते से हम लोग रिश्ता जोड़ने जरूर आए थे पर रिश्ता जुड़ा नहीं था। मंदिर में बुकिंग नहीं मिली थी। लेकिन शादी से पहले दोनों पहली बार एक साथ इसी मंदिर में आशीर्वाद लेने गए थे। As a couple, yes. पहली बार भी हम इसी रास्ते पे चले थे और आज आखिरी बार भी। ख्वाहिशें बेहिसाब है पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना थके, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा में तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने तीन जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की चार दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी। रूही, अरमान और अभीरा। वक्त तीन जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। एक बात कहूं, पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो जाता तो अच्छा था। अब जानबूझ के अब गाड़ी मत ठोक दीजिएगा। इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूं मैं। मतलब छोटे वाले। तुम्हारा मेरे बारे में ये ख्याल, और मुझे लगता था तुम समझदार हो। आपका ख्याल सही निकला, मेरा गलत। तुम्हें लगता है तुम समझदार हो, पर अगर इतनी समझदार होती तो इतने दिनों से जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम समझ जाती। आप समझाई गलत बात रहे, तो मैं क्या करूँ? गलत बात नहीं है, तुम जिद्दी हो। मैं जिद्दी हूँ? हाँ। अगर मैं जिद्दी हूँ तो आप खड़ूस हैं। मैं खड़ूस हूँ? हाँ। अगर मैं खड़ूस हूँ तो तुम अकड़ू हो। मैं अकड़ू हूँ तो आप बड़े वाले अकड़ू। कि बड़ा वाला अकड़ू क्या होता? वही जो आप है। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, खड़ूस हूँ, अकड़ू हूँ? अकड़ू नहीं, बड़े वाले अकड़ू। अगर मैं अकड़ू होता ना तो तुमसे गलती की माफी नहीं मांगता। समझदार होते तो ऐसी गलती करते ही नहीं ने? अरे गलती माफ भी की जा सकती है। मैं एक आधी सी गलती कर दूं तो आप माफ कर पाएंगे? तुम जिद्दी हो। हाँ, कोई जवाब नहीं मिला तो सीधे जिद्दी पे आ गए। आपको तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। और तुम तो बिना बहाने के लड़ी लेती हो। एक मिनट, हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? मैं नहीं लड़ रही हूँ, आप लड़ रहे हैं। अच्छा, और तुम तो इतनी देर से सत्यनारायण की कथा कर रही थी। हेलो प्रेमनु पंछी, माना झगड़ा करने से प्रेम बढ़ता है लेकिन इस उम्र में प्रेम कौन बढ़ाता है? हाँ,
हम झगड़ नहीं रहते, हम तो बस तो... आप जो भी करे दे घर जाके करिए, यहाँ रोड पे ना झगड़ा करना सही है और ना ये तोता मैना बनना। और दोनों में रिस्क है। हाँ चलिए निकलिए। सॉरी सॉरी सॉरी। जब नई नई शादी हुई थी तब किसी ने नहीं कहा तोता मैना। आज जब तलाक लेने जा रही तो इतनी अजीब बात है, ऐसे में जहां लोग रोते रोते जाते हैं हम हंसते हंसते जा रहे हैं। अजीब नहीं, हम लकी हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी हमें हंसी के दो पल मिल गए। शादी के बाद जब मैं कमरे में आया था तो थोड़ा झेप गया था, उसके लिए सॉरी। और जब नर्स तुम्हें इंजेक्शन लगा रही थी और तुम जोर जोर से रोने लगी थी तो मैंने तुम्हें डांट दिया था, उसके लिए भी सॉरी। और जब मेरी फाइल नहीं मिल रही थी तो मैंने उसके लिए तुम्हें ब्लेम किया था जबकि गलती मेरी थी, उसके लिए भी सॉरी। और जब समर ने फोन मेरा पानी में गिरा दिया था तब भी मैंने तुम्हें ब्लेम किया था, उसके लिए भी सॉरी। जब जब मुझे खाने में नमक कम ज्यादा लगा और जब झिलमिल के धोए हुए कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगे और वो जब तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर चली गई थी तो मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, उसके लिए सॉरी। बाकी के स्कूल फेयर के टाइम पे। और ये सब किस लिए? इस ट्रॉफी के लिए? अरे ऐसी ट्रॉफी बाजार में 100-100 रुपए में बिकती है। तुम्हारी जॉब जाने के टाइम पे जिंदगी में पहली बार तुम्हारी नौकरी लगी और दूसरे दिन तुम्हें निकाल भी दिया। जब जब मैंने तुम्हें डांटा उसके लिए सॉरी। वो तुम्हारे पढ़े लिखे ना होने वाली बात, मुझे एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी बाप, और मिली क्या ये मसालेदारी। तुम मेरे लेवल की नहीं हो, वो वाली बात। जिस औरत की हैसियत मेरे साथ 2 मिनट खड़े होने की नहीं है, आप लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। मसालों के बदबू वाली बात। ये मसाले की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, सर में दर्द होता है मेरे। उसके लिए इनफैक्ट जब जब मैंने तुम्हारा दिल खोया उसके लिए सॉरी। वो मेरे मना करने के बाद भी तुम मिसेज राखी दवे से मिलने गई थी, तुमने निहार के लिए कैमरा लिया था और जब तुमने गाड़ी चलाई थी तो मैंने बहुत तमाशा किया था। बापूजी हॉस्पिटल में पड़े हैं और तुम्हें कार सीखनी? कभी जिंदगी में साइकिल भी चलाई है तुमने? अरे गाड़ी आगे बढ़ा ना। और जब तुमने समर नंदिनी के रिश्ते के लिए हामी भरी थी उसके लिए भी बहुत 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 बहुत। सौ गलतियां किए थे उसके लिए 1000 बार सॉरी, 1000 गलतियां किए थे उसके लिए 1000000 बार सॉरी। माफ किया जो आपने कहा और जो नहीं कह पाए सबके लिए माफ किया। गलतियां तो मुझसे भी हुई है, बहुत बहुत हुई है, उसके लिए मैं सॉरी सॉरी। गुड, सीख गई। आगे बढ़े।